समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार किया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में व्यापारी वर्ग निवेश करने से डरते थे। अखिलेश यादव गाली बकने वाले नेताओं को प्रमोट करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, और जो लोग बीजेपी को गाली बकते हैं उन्हें प्रमोट करते हैं। अखिलेश यादव जी ये समझ चुके हैं कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों का पूरी तरीके से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वास्तव में वो युवाओं को दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, वो हमारे दौरे पर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को की एक फाउंडेशन है, सलोनी हार्ट फाउंडेशन, उसने $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ये नहीं बल्कि CSR के माध्यम से ये धन PGI को देने की बात कही है। इसका MOU हुआ है और PGI के डायरेक्टर से उनकी बात भी इस बारे में कराई गई। अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, वहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले MOU हुए थे उसको कितना जमीन को उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने MOU जमीन पर नहीं उतरे हैं तो नए MOU जमीन पर कैसे उतरेंगे और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप? ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से कितना रोजगार सृजन होगा।